आज हम बनाएंगे सूजी का एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी ढोकला। आप सेम स्टेप फॉलो करते हुए बनाइएगा, आपके ढोकले भी ऐसे ही बनकर तैयार होंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए हमने 1.5 कप सूजी ली है। आप सूजी कोई भी यूज़ कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। 1.5 कप हम इसमें दही डालेंगे। दही थोड़ा सा खट्टा होगा तो ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। मैंने 1 कप दही डाल दिया है और 1/2 कप दही में हम 2 हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक के टुकड़े को मिक्सर के जार में पीस कर डालेंगे। आप चाहें तो अदरक हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हो। तो ये हमने इसको पीस लिया है और अब हम इसमें 1/2 चम्मच के करीब नमक डाल देते हैं और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम बैटर में करीब 2 चम्मच पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। एक साथ पानी नहीं डालना है। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच चीनी डालेंगे। इससे टेस्ट अच्छा आएगा, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हो। तो ये हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। हम इसे ढककर लगभग 1 घंटे के लिए रख देंगे। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो 1/2 घंटे के लिए रख दीजिए। तक हम चटनी बनाकर तैयार करते हैं। हमने 1 कप भर के फ्रेश हरा धनिया, 8-10 पुदीना के पत्ते, 3 से 4 हरी मिर्च, ये कम तीखी वाली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 कड़ी पत्ता, लगभग 1/4 चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच से भी कम काला नमक और 1 नींबू का रस डालेंगे, 1/2 चम्मच चीनी, 3 से 4 लहसुन की कली छोटी वाली है और 1 टेबलस्पून दही। इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी डालकर हम इसे पीस कर तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। इधर हमें घोल को रखे हुए 1 घंटा हो गया है। पहले हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, सूजी ने अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसमें लगभग 2 चम्मच पानी डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालने से ढोकले में सॉफ्टनेस आती है। अब हम तेल डालकर इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फेंटेंगे। और अब हम इन 2 प्लेट में ढोकला बनाने वाले हैं। इन दोनों प्लेट को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इधर हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसमें हम ये ढोकला प्लेट रख देते हैं और अब हम 1/2 छोटा चम्मच इनो मिलाएंगे और इस पर हम 1 छोटा चम्मच पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कम से कम 15 सेकेंड तक मिक्स कीजिएगा। अब हम ये बैटर प्लेट में डाल देते हैं। इस पर हम थोड़ा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। इससे ढोकले देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और अब हम दूसरी प्लेट में भी ये बैटर डाल देते हैं। इस पर भी हम काली मिर्च और लाल मिर्च लगा देंगे। और अब हम ढक्कन ढककर 12 से 13 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे स्टीम करेंगे। यदि आपके पास ऐसा बर्तन नहीं है तो आप इस तरह का बड़ा पतीला ले सकते हो। इसमें पानी डालकर इस तरह का स्टैंड रख दीजिए और इस तरह का स्टील का डब्बा रखकर भी आप ढोकले बना सकते हो। हमें पूरे 13 मिनट हो गए हैं और हम ढोकले को चेक कर लेते हैं। टूथपिक की सहायता से चेक करेंगे। ढोकले बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। हम प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं और इन्हें हम 8-10 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। पंखा चलाकर ठंडा कर लीजिएगा। ढोकले ठंडे हो गए हैं। हम इन्हें चाकू की सहायता से कट कर लेते हैं। मैं स्क्वायर पीसेज में इन्हें कट कर रही हूँ। दोनों प्लेट के ढोकले काट लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी ढोकले बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। अब हम इस पर तड़का लगाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने तड़का पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है।
इसमें हम एक चम्मच राई, आधा चम्मच तिल डालेंगे और इन्हें हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। तिल डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम इसमें 10-12 कड़ी पत्ता डालेंगे, साथ ही मैं 4 से 5 हरी मिर्चें डाल रही हूँ। आप चाहें तो हरी मिर्च की मात्रा कम कर सकते हो। तड़का हमारा बनकर तैयार हो चुका है, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम ये तड़का ढोकला पर लगा देंगे। फ्रेंड्स, आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि ये ढोकले बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इन पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।